नमस्कार भाई, आप सभी लोगों को, आपके सामने एक सवाल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 10, 29, 66, 127, 218 और देखो, नंबर आपको फाइनल करना जब भी इस तरीके से सवाल होते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो वही, जिन बच्चे को कुछ भी जानकारी नहीं होती है, कोई ने करना शुरू करता है, किस तरीके से करना शुरू करता है ये देखते हैं। वो क्या देखता है, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 19, ठीक है। इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस देखना चालू करूँ तो ये कितना आएगा, इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस चेक करना चालू करूं तो ये कितना आएगा, 57 और 4 61। इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस चेक करना चालू करूं तो ये कितना आएगा, 91, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही अब मैं यहाँ पर देखना चालू करूंगा इनके बीच का डिफरेंस तो कितना आएगा, ये आएगा 19 और 37 18। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस चेक करूंगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 24। यहां पर अगर मैं डिफरेंस चेक करना चालू करूंगा तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो अगला डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई इनके बीच का, 36 आना चाहिए, क्योंकि तभी देखो ये 6 6 के पेयर पर चल रहा है, 6 का डिफरेंस यहाँ, 6 का डिफरेंस यहाँ, तो 6 का ही डिफरेंस यहाँ, ठीक है। तो अगला डिफरेंस भी 6 पे ही बनना चाहिए, ठीक है। तो अब 91 में अगर मैं 36 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है भाई, 91 और 6 97 127। और 218 में मैं जब मैं 127 जोड़ता हूं तो कितना आता है आपके पास में, ये आपके पास में आता है 345, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन इस वाले तरीके में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे कहता हूं, बहुत सारे ऐसे लेटर वाले सवाल एग्जामिनर कम देता है, एग्जामिनर इन्हें किसी और पैटर्न पर कंफर्म सेट करके रखता है। अगर आप इन डिजिट्स को देख रहे हैं, 10, 29, 66, 127 और 218, अगर आप इन सारी डिजिट्स को देख रहे हैं तो, और अगर आपको क्यूब्स याद हैं, मैंने अपनी हर क्लास में बोला हुआ है कि आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर आपको क्यूब्स याद है तो आप देखकर बता सकते हैं कि 10 इसके आसपास है, 2 का क्यूब प्लस 2। 29 की बात करूं तो ये है आपका 3 का क्यूब प्लस 2। 66 की बात करूं तो 4 का क्यूब 64 होता है और प्लस में 2। 127 की बात करूं तो 5 का क्यूब 125 होता है और प्लस में 2। 218 की बात करूं, 6 का क्यूब 216 होता है और प्लस में 2। तो आप देख कर चल रहे होंगे, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब, सब में 2 ऐड है, तो जो अगला नंबर बनेगा वो कितना बनना चाहिए आपका, 7 का क्यूब प्लस 2। 7 का क्यूब 343 होता है प्लस में 2, यानी कितना, 345। तो अगर आपको क्यूब्स याद हैं और आप क्यूब के आसपास के नंबर पता कर सकते हैं तो बच्चे को मात्र 2 से 3 सेकंड लगने वाले हैं और बच्चा इसका आंसर दे देगा। यहाँ पर बच्चे से गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, अगर उसने कहीं भी एडिशन गलत कर दिया या इनके बीच का डिफरेंस सही नहीं पता कर पाया तो गलती होने के चांसेस भी बहुत सारे रहते हैं। तो मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ कि जब भी आप सीरीज के या मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करें तो आपको स्क्वायर 2 से 30 तक और क्यूब्स मिनिमम 2 से 21 तक तो याद होने चाहिए, ठीक है भाई। 2 से 21 तक मिनिमम क्यूब्स याद आपको याद होने चाहिए। उम्मीद है आपको सवाल अच्छा लगा होगा, करने का तरीका अच्छा लगा होगा और अब आप सवाल देखकर उन्हें पहचानना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऐसे और सवालों के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।